राजधानी शिमला में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बाजार खुलने की नई समय सारणी से व्यापारियों सहित शहरवासियों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है, जिसके चलते व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी से मिला, जहां उन्होंने मांग की कि डेली नीड्स की दुकानें सुबह जल्दी खुलनी चाहिए। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगाई पाबंदियों के कारण अब सुबह दूध और ब्रेड के लिए लोगों को 10 बजे तक दुकानें खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है। बच्चों को सुबह के लिए ताजा दूध की जरूरत होती है, लेकिन दुकानें देरी से खुलने के कारण लोग परेशान हैं। नौकरी वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, इन्हें सुबह के समय दूध और ब्रेड नहीं मिल रहा। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को सुबह 8 बजे तक दुकानें खोलने के निर्देश जारी करने चाहिए। वहीं कारोबारी भी इस नई टाइमिंग से बेहद परेशान हैं। शहर में दूध और ब्रेड की सप्लाई सुबह 6 से 8 बजे तक मिल जाती है। व्यापारियों का कहना है कि सुबह डेली नीड्स की दुकानें खुलने के समय में बदलाव होना चाहिए। शिमला व्यापार मंडल के प्रधान हरदीप कुमार ने भी कहा कि डेली नीड्स की दुकानें सुबह जल्दी खुलनी चाहिए, क्योंकि दूध और ब्रेड की ज्यादातर बिक्री सुबह और शाम को की जाती है। आज ये कोविड के गाइडलाइंस के उसमें मिले थे हम, इसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। 10 बजे का जो समय था वो हमने साहब से रिक्वेस्ट की है, उसमें दूध ब्रेड अंडा इसके लिए हमारे काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी, वो हमने समय 8 बजे करने के लिए साहब से रिक्वेस्ट की है। और साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसके बाद ही कोई ना कोई ऑर्डर जारी करेंगे जी। सोशल डिस्टेंसिंग के लेकर वैसे तो सभी लोग हमारे बहुत ही सूझवान हैं और सभी लोग गाइडलाइंस का पालन भी कर रहे हैं, फिर भी हम सभी व्यापारी बंधुओं को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी दुकान पर बैठे हुए भी मास्क लगा के रखें और उचित दूरी बना के रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।